हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंशिका आज वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और अच्छा सा वीडियो लेके। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं एंड इफ़ यू हैव सीन माय अर्लियर वीडियोस, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि आई एम फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक्स। तो क्या होता है कि आपको पता है इफ़ आई हैव सो मैनी लिपस्टिक्स तो मैं अप्लाई भी करती हूँ ये सारी लिपस्टिक्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, जो कि मेरे भी आता था जब मैंने स्टार्ट किया था लिपस्टिक्स लगाना, कि यार इतना लिपस्टिक्स मैं अपने लिप्स में लगा तो रही हूँ, अब इनका कुछ साइड इफेक्ट तो हो गई, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऑब्वियसली इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो उसके कुछ तो साइड इफेक्ट होंगे ना। तो लिपस्टिक जब हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो हमें होता है वो होता है हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। दैट इज़ अ बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अप्लाइंग सो मच ऑफ लिपस्टिक। और आई नो दैट कि अब ऐसा तो नहीं है कि हम लिपस्टिक लगाना छोड़ दें, ठीक है, दिस इज़ नॉट सोल्यूशन। क्योंकि हम ऐसी जगह शायद मे बी वी देर आर सो मेनी गर्ल्स लाइक मी और मैनी अदर गर्ल्स जो कि हम ऐसी जगह जॉब करेंगे जहाँ यू हैव टू बी अप टू डेटेड। तो आपको थोड़ा लिटिल बिट ऑफ मेकअप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा लिपस्टिक, बट लाइट शेड एंड न्यूड शेड यू हैव टू अप्लाई। सो अब क्या करें, अब लिपस्टिक तो नहीं हटा सकते हैं ना हम मेकअप से, तो अब ये करते हैं कि हम अपने करते हैं लिप्स की केयर। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो इसी के बारे में होने वाला है कि अपने लिप्स की केयर कैसे करो। एक्चुअली आई एम गोइंग टू मेड अ वीडियो ऑन सेपरेट वीडियो ऑन माय लिप केयर रूटीन, जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगी कि व्हाट आई यूज लाइक इन वीकली बेसिस, जिससे मेरे लिप जो हैं वो मतलब हेल्दी रहें और चिप ना हो, नरिश्ड हो। अभी के लिए फिलहाल विच आई एम गोइंग टू शेयर इज टॉप 5 ऐसे लिप बाम के बारे में, या लिप ग्लॉस जो भी कह लो आप, उनके बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमारे लिप्स को ओवरनाइट रिपेयर करते हैं। और जो पिगमेंटेशन हमारे लिप्स पे हो जाता है, ये पिगमेंटेशन इवन सनरेज की वजह से भी होता है, तो वो पिगमेंटेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, मैं आज उन टॉप 5 लिप बाम्स के बारे में बात करूंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो मैं फिफ्थ नंबर पर जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है नन अदर देन दिस। नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट इज दिस, दिस इज घी। ये हमारे हर एक घर में इजिली अवेलेबल है एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज अ बेस्ट थिंग जो कि आपके लिप्स को इतने अच्छे से नरिश करेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड मतलब इसके जो यू नो दैट कि घी के जो बेनिफिट्स हैं ना, दे आर वर्ल्ड नोन। वी नो दैट कि घी कितना बेनिफिशियल है। तो आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट कि आप अगर इफ़ यू इन केस यू डोंट हैव एनीथिंग और यू आर अ टीनेजर फॉर एन एग्जांपल, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट और यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन सेपरेटली इन लिप बाम देन इन लिपस्टिक्स एंड देन इन समथिंग एल्स, सो डोंट वरी, जस्ट डू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ घी एट नाइट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप। यू हैव टू डू नथिंग अपार्ट ऑफ इट, जस्ट अप्लाई इट, आप आराम से सो जाओ एंड यू विल सी इन अ लॉन्ग रन। बस इतना है कि इसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलेगा, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इफ यू आर अप्लाइंग इट यू विल सी द चेंज इन योर लिप्स, बट इट विल यू विल फील सो मच ऑफ नरिश्ड लिप्स यू हैव। सो द फोर्थ नंबर पर मैं जिसको रखने वाली हूँ वो है फ्रॉम वन ऑफ माई, यू कैन कॉल इट एज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, दैट इज लोटस हर्बल लिप चेरी थेरेपी। एक्चुअली मैं बताऊँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने जो प्रोडक्ट की डिटेल्स में बहुत कुछ नहीं बताया है कि विच इंग्रेडिएंट्स दे हैव, बट आई हैव यूज सो मैनी ऑफ लिप बाम्स जिसमें यू नो मेबलिन, लैक्मे, बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। बट मुझे इसका एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि नरिश्ड रखता है। मतलब इन केस इफ़ यू वॉन्ट कि आपको लिपस्टिक नहीं लगाना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका जो वो दिखाती हूँ, ये इस तरीके का है और इसका जो टेक्सचर है लिटिल शिमरी एंड थोड़ा सा ग्लॉस करके ये लिप्स पे आपके हल्का सा कलर देता है। तो इन केस इफ यू वांट टू हैव नो लिपस्टिक डे यू कैन आल्सो अप्लाई इट, एंड आल्सो एट नाइट टाइम इफ यू आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, जब आपने अपना स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर लिया है देन यू कैन अप्लाई इट। इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इसको अराउंड 6-7 months यूज़ किया है एंड आफ्टर दैट I can say that this is also very good. Now third number पे मैं जिसको रखने वाली हूँ that is something called as lip balm
फ्रॉम अ ब्रांड विच इज़ वेरी अंडर रेटेड आई मस्ट से दैट इज़ ब्लू हेवन. मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है. सीरियसली आई हैव यूज सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक काजल लाइनर्स एंड मैनी थिंग्स ऑफ ब्लू हेवन. मुझे ये ब्रांड पर्सनली अच्छा लगता है. तो इसका लिप बाम है ये बेसिकली लिप बाम ही है इसका नाम. ये मैंने लिया था बबल गम फ्लेवर में. एक्चुअली इसकी जी फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी है. बिल्कुल ऐसा लगेगा इफ़ यू पीपल रिमेंबर बूमर आती थी आपने खाया हो तो 90s किड यू विल रिलेट टू मी. ओके तो बूमर आया करती थी, आज भी आती है, तो उसका बिल्कुल टेस्ट आपको इस फ्रेग्रेंस आएगी. प्लस इसमें जो सबसे अच्छी बात है इसमें है क्लोव. यू कैन सेंस इट ऑल्सो. जब आप इसको लिप पे अप्लाई करोगे ना यू विल हैव दैट फ्लेवर ऑफ क्लोव. आपको उसकी स्मेल आएगी. तो क्लोव ऑयल इसमें है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो हमें पता है कि क्लोव ऑयल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर पिगमेंटेशन एंड ऑल्सो ये भी डीप नरिश करता है. देयर आर मैनी सो मेनी ऑयल्स विच डीप नरिश जिसमें से क्लोव ऑयल इज़ वन ऑफ देम. सो इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है. और मैं इसके प्राइस की बात बताऊँ तो प्राइस के मामले में मुझे बड़ा इफेक्टिव लगा था ये. दिस इज़ ऑफ अराउंड लाइक 90 rupees. आई विल शो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब जो मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट दो की, इन दोनों में ही मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं इसको फर्स्ट पे किसको रखूँ सेकंड पे किसको रखूँ. तो आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू. बस ऐसा है कि प्राइसिंग के हिसाब से मैंने इनको रैंक किया हुआ है. तो सेकंड नंबर पे मैं जिसे रखने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड विच इज़ वेरी फेवरेट टू मी, दैट इज़ बॉडी शॉप शी बटर. दिस इज़ लिप बटर. अगर मैं आपको इसका टेक्सचर फटाफट से दिखा देती हूँ, अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. इसका थोड़ा सा मैं आप इसको बस इतना है कि मैं आपको ये बोलूँगी कि इसको आप नाइट में बिल्कुल भी डे में बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज इसका ना टेक्सचर थोड़ा सा मतलब थिक है. तो क्या होगा, और ये लगाने के बाद लिप पे एक वाइटिश काइंड ऑफ अपीयरेंस देता है. तो आप इसको डे पे नहीं लगा सकते हो बट दिस इज मेंट टू बी द ओवर नाइट थेरेपी. आई मस्ट टेल यू ये बहुत इफेक्टिव है. गो फॉर इट. बिल्कुल मत सोचो दोबारा. एक बार अगर आप लिप बाम पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यू कैन इन्वेस्ट ऑन इट. इसका प्राइस अराउंड शायद 275 और 235, आई एम नॉट कन्फर्म, आई विल मैंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो इसका प्राइस इतना है एंड इट्स वेरी 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 इफेक्टिव. एंड द फर्स्ट वन जिसे मैंने फर्स्ट पोजिशन पर रखा है, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड बायोटिक, जो कि खुद कहते हैं कि दे आर द यू नो आयुर्वेदिक ब्रांड. तो इस हिसाब से ये सबसे मैंने इसको फर्स्ट पर रखा है क्योंकि इसका प्राइस कुछ अराउंड 150 टू 200 के बीच में है. और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, इसमें कैस्टर ऑयल है, इसमें आलमंड ऑयल है, इसमें तिल का तेल है. दीज ऑल ऑयल्स आर कलेक्टिवली गुड फॉर पिगमेंटेशन. बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्ट करते हैं. इसका भी टेक्सचर सिमिलरली मैंने जैसे बोला बॉडी शॉप के जैसे ही है. अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इफ़ यू कैन चेक, इसका थोड़ा सा शिमरी, आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट, बट मैं बताती हूँ आपको कि इसका थोड़ा सा शिमरी टेक्सचर है. मतलब जब आप इसको लिप पे लगाओगे, ये भी काफ़ी थिक है, और आप इसको एक अच्छी प्रॉपर लेयर लगाओ लिप्स पे, इसका शिमरी टेक्सचर है बट इट इज़ वेरी नाइस. ये दो आप यूज़ करो एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लिप्स. ओके सो ये रहा मेरा आज का रिव्यू वीडियो. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो सारे अपनी फ्रेंड्स के साथ जो कि और लड़कियों के साथ जो कि लिपस्टिक यूज़ करती हैं एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देयर लिप्स. क्योंकि जितना हमारे हर एक बॉडी पार्ट को उतना ही इम्पॉर्टेंटली हमें केयर करना ज़रूरी है. इफ़ यू आर अप्लाइंग मेकअप और इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग मेकअप इवन यू आर गोइंग आउटसाइड ऑन सन यू हैव सो मच डस्ट एंड एवरीथिंग. सो यू शुड केयर फॉर दिस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.